देखिए मैं फ्रंट पर हूँ और लगातार यहाँ पर देखिए इंजन को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इंजन पटरी पर आ जाए। और यही नॉर्थ ईस्ट का ये इंजन है जो यहाँ पर 9:30 पर यानी रघुनाथपुर स्टेशन पर कहीं ना कहीं आती है और लगातार ट्रैक खराब होने के कारण क्या चीज़ खराब होने के कारण कहीं ना कहीं पटरी से उतर जाती है। उतरने के बाद कई बगियाँ इधर से उधर हो जा रही हैं और मैं अपने विजुअल के माध्यम से भी दिखाया हूँ किस तरह से यहाँ पर बगी इधर से उधर पलट चुकी है, क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कितने बगी, कितने लोग घायल हैं, कितने लोग दुनिया से नहीं हैं, ये सबसे बड़ी खबर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यही बोगी है, मैं चाहूँगा कि ऊपर से दिखाइए ना, ऊपर से दिखाइए बोगी का ये तस्वीर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ पर किस तरह से यही जो है जो 9:45 में यह हादसा होता है, मैं चाहूँगा कि कैमरा पर्सन से दिखाएं वहाँ पर बोगी किस तरह से यहाँ पर। हाँ ठीक है आप काम करिए, बोलने दीजिए, बोगी का तस्वीर दिखाइए किस तरह एक्सीडेंट हो गया है। लगातार मैं कल से वहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और बुलडोजर भी यहाँ पर आ गया है। मैं अपने दर्शकों को बताते चलें किस तरह से यहाँ पर जो राहत कार्यक्रम चल रहा है, कल से ही राहत के लिए बचाव के लिए यहाँ पर सारा टीम यानी पुलिस और प्रशासन भी आ चुका है। ये सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज़ पर बता रहे हैं। मैं अपने दर्शकों के चाहूँगा दिखाइए, हट जाइए वहाँ से, हटिए ना, दर्शकों से दिखाएँ किस तरह से बोगी का ये नज़ारा है। कल 9:30 में नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेन है क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ये सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज़ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ किस तरह से आज जो कल 9:45 में हादसा हुआ है। मैं अपने दर्शकों के बता दूँ, आ रहे हैं यार, दर्शकों के बता दें, एक बार जूम करके दिखाइएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि जूम करके दिखाएं अपने दर्शकों को किस तरह से वहाँ पर देखिए बोगी है कहीं ना कहीं एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और मैं चाहूँगा, आइए, मैं चाहूँगा हमारे पास फोकस कीजिएगा, क्या क्या कल आपने हुआ? कल रात में सर 9:45 का बात है, 9:45 में कल नॉर्थ ईस्ट पार कर रही थी डाउन मेन लाइन से, उसी समय अनाउंसमेंट हुआ कि डाउन मेन लाइन से थ्रू ट्रेन पास कर रही है, उसी समय की ये घटना है। ट्रेन के जो स्पीड है चाल 120 या 30 के स्पीड था ट्रेन का चाल, उसी समय ये ट्रेन हादसा अनहोनी कहा जाए या जो भी कहा जाए इसका आप देख लीजिए। मैं बता दूं यही ट्रेन के ये चश्मुद्दीन है, लगातार मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यही स्पॉट पे थे, स्टेशन के पास थे जो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ क्या। हाँ ये सही बात है, मतलब हम स्टेशन पे आए थे टिकट के सिलसिले में, उसी टाइम मतलब आधा घंटा ठहरे थे वहाँ टिकट के लिए, उसी टाइम के सिलसिले आधा घंटा मतलब ठहरे तो ये ट्रेन हादसा हुआ। आप लोग क्या मालूम चला, कब मालूम चला? हम लोग को उसी टाइम मालूम चला, हम लोग टिकट कटवाने साथ में ही आए थे, ये यहाँ पे दोनों आए थे टिकट कटाने, फिर हमको घर पे फोन किया कि हादसा हुआ है, हम लोग यहाँ पे पहुँचे 3-4 आदमी और काफी आदमियों की यहाँ पे हमने मदद की। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों के बता दें यहाँ पर दिखाएंगे किस तरह से, रुक जाइए एक मिनट काम कर लेने दीजिए। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा कैमरा पर्सन से वहाँ से दिखाएं, धीरे धीरे दिखाएं किस तरह से, धीरे धीरे दिखाएं घुमाकर, ये जो काम जोर शोर से चल रहा है क्योंकि लगातार ट्रैक कहीं ना कहीं टूट चुका है। और ये नॉर्थ ईस्ट का ये तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ किस तरह से वहाँ पर दिखाएं, पुलिस प्रशासन चौकस है। मैं अपने दर्शकों को बताते चलें किस तरह से आज देखिए देखने का भी हुजूम है और मीडिया के भी हुजूम है। हाँ आइए आइए, आओ आओ है ना, आइए देखिए यहाँ से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, कैमरा पर्सन उठा कर दिखाएंगे, ये तस्वीर दिखाइए, जूम करके दिखाइए यहाँ पर किस तरह से वहाँ पर क्षतिग्रस्त होने के कारण 5-6 बगी कम से कम पलट चुकी है, एक्सीडेंट हुआ है। मैं अपने दर्शकों के दिखा दें, कैमरा आगे ले जाएं, आप यही तस्वीर है यहीं से क्रॉस कर रही थी गाड़ी
और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कितने बोगी कहीं ना कहीं पलट चुकी है एक्सीडेंट में। ये नॉर्थ ईस्ट का ये तस्वीर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ जोर शोर से काम लगा हुआ है, पुलिस और प्रशासन। यहाँ से आइए दिखा दीजिए, मैं अपने दर्शकों को दिखा दें किस तरह से जोर शोर से काम लगा हुआ है और दिखाते चले। देखिए यहीं पर यहीं कवर गया है। देखा ये ट्रैक, देखिए जोर शोर से ये ट्रैक है, ये ट्रैक कवर चुका है। मैं अपने दर्शकों को दिखा दें, ये ट्रैक कवर के फेंका गया है और लगातार 5-6 बोगी और कितना यहाँ पर मौत हुआ है, कितना लोग घायल हुआ है, ऑफिशियल अभी जारी नहीं किया गया है। और तमाम नेता और मंत्री विधायक भी यहाँ पर देखने के लिए पहुँच रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर बता रहे हैं। और तवतोड़ देखिए, मैं अपने चाहूँगा कि दिखा दें कितने देर से चल रहा है, कितने देर से चल रहा है आप लोग बताने के लिए? अभी अभी आए हैं। नहीं, इतने देर से काम? अभी अभी आए हैं। अभी अभी मैं अपने दर्शकों को बता दें, देखिए ये मैं अपने ट्रेन में के दिखा रहा हूँ। देखिए यही जो तस्वीर है, मैं बार बार विजुअल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ किस तरह से। देखिए और देखिए कुछ, चलिए ठीक है, नेता लोग के लेने दीजिए, लेकिन हम लोग दिखाते रहेंगे क्या है मामला। और दिखाइए, देखिए ये ट्रेन का ये तस्वीर है, दिखाइए कब से हुआ है चाचा, कब से हुआ है? अरे हम लोग नहीं तो भय रहे इधर। देखिए कैसे ये तस्वीर, दिखाइए एलसीडी पे टिकते रहिएगा। ये जो है अनोखा, मैं तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट जो यहाँ पर है चक्का है, ये किस तरह से पटरी से उतर चुका है। और लगातार कल 9:30 में ये घटना हुआ है और लगातार यहाँ पर कितने लोग घायल होंगे, कितने लोग उन लोग का जीवन ख़त्म हो गया है, ये ऑफिशियल जारी नहीं किया गया है मैंने, लेकिन लगातार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह नॉर्थ ईस्ट का यह सबसे बड़ी खबर। आइए कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाएंगे, दिखाइए दिखाइए ये तस्वीर, दिखाइए ये भयंकर तस्वीर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अपने कैमरा सहयोगी से मैं देख चाहूँगा कि फुटेज एकदम खींचते रहिएगा, रिकॉर्ड हो रहा है ना। चलिए यहाँ पर देखिए तस्वीर है, अनोखा तस्वीर मैंने दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट का ये क्षतिग्रस्त यह तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट है, कैमरा थोड़ा अच्छा से चलाइएगा। यह नॉर्थ ईस्ट का तस्वीर मैंने दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं दर्शकों को बता दें, ये सुपर फास्ट गाड़ी है और यहाँ पर कम से कम 120 के स्पीड में थी। चश्मुद्दीन के कहना है कि यह तस्वीर है, बहुत भयानक उस समय था, क्या हुआ उस समय का बहुत अनोखा तस्वीर है, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये रघुनाथपुर स्टेशन है, रघुनाथपुर स्टेशन पर हम लोग यहाँ पर हैं और दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और लगातार मैं अपने विजुअल के माध्यम से दिखाना, इधर से दिखाइए, विजुअल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह नॉर्थ ईस्ट का 9:45 में यह घटना होता है और ये कितने लोग इसमें घायल होंगे, कितने लोग उनका दुनिया छोड़कर चली गई हैं। आइए आइए, हमारा सहयोगी पत्रकार हैं, क्या घटना हुआ है? 9:30 के लमसम में 9:45 कमख्या आनंद विहार से जो ट्रेन आ रही थी, कुछ लोग कहते हैं कि 3-4 बोगियां ही पलटी थी, लेकिन हमारे देखने से ये पता चल रहा है कि 9 बोगियां तो पीछे पलट चुकी है। इसके बावजूद जो बोगी पलटी नहीं है, तहस नहस इधर उधर पटरी से ट्रेन उतर गई है। लगातार आप लोग हम लोग कवरेज करके अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और आरती न्यूज के बहुत बहुत। और मैं चाहूँगा कि ये तस्वीर दिखाइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सामान बाहर से मंगाया जा रहा है, सुविधा के अनुसार ये सामान आ रहा है। जल्द से जल्द ट्रैक बनाने के प्रयास में है कि कम से कम ट्रैक बन जाए और यातायात का साधन चालू हो जाए। मैं अपने दर्शकों को बताते, चलिए इंजन दिखाइए, आइए, मैं चाहूँगा कि आइए दिखाते रहें। कैमरा पर्सन आइए, दौगिए, देखिए यह तस्वीर है, अनोखा तस्वीर मैंने दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहीं कल 9:45 में घटना हुआ है और पुलिस प्रशासन उसी समय से चौकस है अपने दल बल के साथ। ये देखिए यह तस्वीर है, यह तस्वीर दिखाइए,
तस्वीर, और कल से ही लगातार ये नॉर्थ ईस्ट का ये बोगी का नज़ारा मैंने दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यही घटना बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये हो जाता है, ये कितने लोग घायल हैं, कितने लोग दुनिया से चल गए हैं, ये अभी ऑफिशियल जारी नहीं किया गया है, लेकिन कुछ ही समय में ऑफिशियल जारी कर दिया जाएगा। और अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ किस तरह से इंजन का ये इंजन कैमरामैन दोगिए देखिए, ये इंजन है, इंजन यहीं आगे रहता है। लो, इंजन आगे रहने के बाद कैसे होता है, इंजन को कोई ज़्यादा डैमेज नहीं है, लेकिन उतर जाने के कारण बहुत सारा पेट बोगी। आइए देखिए इंजन का, देखिए जो यहीं मैं अपने दर्शकों को बता दें, ये इंजन फ्रंट पर रहता है और लगातार 9:30 में रघुनाथपुर में स्टेशन में नॉर्थ ईस्ट का ऐसा घटना होता है कि जो चौंकाने वाला बात हो जाता है। और यहाँ सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, यानी सारा सुरक्षा बल यहाँ पर आ चुका है, यानी जिला से लेकर पटना से लेकर दानापुर से लोग सुरक्षा बल यहाँ पर आ गया है। कल 9:00 रात में ऐसा होता है। मैं चाहूँगा एक बार फिर तस्वीर दिखाइए, ये क्या हो रहा है, जक लग रहा है, दिखाइए, जूम करके दिखाइए, ये जक लग रहा है और सुधारने का प्रयास कर रहा किया जा रहा है इंजन को, और जल्द से जल्द यहाँ पर यातायात चालू करने के लिए प्रशासन के द्वारा ठीक किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।